मऊ से बड़ी खबर आ रही है। फर्जी टीटी बनकर केसक एक्सप्रेस में यात्रियों से अवैध वसूली कर रही फर्जी टीटी को जीआरपी पुलिस ने धर दबोचा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक देवरिया जनपद के रहने वाले हरकेश पासवान पुत्र रमेश पासवान गुरुवार की सुबह केसक एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग करते हुए मऊ रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। वहां पर पहुंचते ही फर्जी टीटी द्वारा स्टेशन पर ही यात्रियों से टिकट मांगने लगा। मऊ रेलवे स्टेशन पर तैनात टीटी की उस फर्जी टीटी पर नजर पड़ गई। टीटी ने फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से मांग रहे टिकट वाले व्यक्ति से पूछा तो वह घबराने लगा, जिसके बाद टीटी ने उससे परिचय पत्र मांगे, वह भी फर्जी निकला। टीटी ने उसे पकड़कर तुरंत जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। जीआरपी पुलिस ने फर्जी टीटी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। मऊ से एचएन आजमी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। तो वैसे ही आपने पकड़ लिया उन्होंने? पूरे का पिछले ट्रेन में टीटी का जो है कि टिकट चेक करना था, गेट पे भी आप उतरते वक्त भी किसी का आपने चेक किया था टिकट? आपके पास टिकट था कि नहीं जब आप यात्रा कर रहे थे, जब आपको टीटी बोला? तो अब इस वक्त कहाँ पे हैं आप? कहाँ पे हैं? क्या आपको पुलिस ने पकड़ लिया है? क्या कल 25 जुलाई 2018 को कृषक एक्सप्रेस जो लखनऊ से वाराणसी सिटी तक जाती है, उसमें अभियुक्त हरिकेश कुमार पासवान पुत्र रमेश निवासी पकड़ी तिवारी थाना मदनपुर जिला देवरिया का रहने वाला है, उसे चेकिंग के दौरान टिकट परीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार जैन द्वारा पकड़ा गया। यह बिना टिकट यात्रा कर रहा था और स्वयं को गोरखपुर में नियुक्त टीटी बताया। उनके द्वारा आगे पूछताछ किए जाने पर पता चला कि यह फर्जी है, जिस पर हमें सूचना दी गई, उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी पहचान पत्र रेलवे का प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेजा गया। क्या कोई टीटी का भी पत्र मिला था? बताया इसके पास से 4 अलग अलग तरह के नियुक्ति पत्र मेडिकल से संबंधित इसके खुद के बरामद हुए हैं, वह इसका पहचान पत्र बरामद हुआ है।